कटिया टी स्टेट है। ये है नाहरकटिया के जो टी गार्डन है, नाहरकटिया टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सुंदर है, मैंने जब देख के गया था उतना सुंदर नहीं था, जब मैं अभी आया मैं देख रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बोले तो बहुत ही खूबसूरत। मैंने सोचा नहीं था, गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि ये जो टी स्टेट है इतना खूबसूरत है होगा, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले मेरा एक दोस्त रहता था इसी टी स्टेट में, जो उनके डैडी यहाँ पे जॉब करते थे, तभी मैं आया था उनके घर पे, और इसी रोड से मैं, ये जो मेरा रोड देख रहे हो, इसी रोड पकड़ के मैंने अंदर गया था, क्योंकि उनके जो बंगलो है वहाँ पे गया था। तो बहुत ही खूबसूरत, तब इतना खूबसूरत नहीं था, मतलब इतना सिस्टमेटिक नहीं था जो आज है। आज मैं जो देख रहा हूँ यहाँ के टी स्टेट बहुत ही बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने दिन जा रहे हैं लोग कामों में सुधार ला रहे हैं, अच्छा टेक्निक आ रहा है, अच्छा मैनेजमेंट आ रहा है, लोग पढ़े लिखे हो गए, पहले के जैसा नहीं है, बहुत से क्वालिफाइड लोग आ गए यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है टी गार्डन। यहाँ पे अभी कटिंग चल रहा है, मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, सामने आपको दिखाता हूँ उसका। ये देखिए यहाँ पे ऐसा इस हिसाब से कटिंग किया जा रहा है सामने। ये आपको मैंने गोलाघाट में भी दिखाया था, ये कटिंग यहाँ भी देखिए इसी तरह का कटिंग होने जा रहा है, हो रहा है। इसको एलपी बोलते हैं क्या? इसको कटिंग को क्या बोलते हैं, एलपी क्या? डीएस। ये है डीएस कटिंग, जो मैंने एलपी इसका छोटा, एलपी इससे छोटा होता है ना, छोटा होता है, ये बड़ा है डीएस, इसको बोलते हैं डीएस कटिंग। यहाँ पे डीएस कटिंग हो रहा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, मुझे अच्छा लगा ये गार्डन, पता नहीं क्यों। और अभी सीजन चाय का सीज़न नहीं है, चाय का सीज़न, आप देखिए कितना सुंदर है गार्डन, एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना सुंदर सजा के रखा है टी गार्डन। आप देखते जाइए, बहुत सुंदर है, और टी गार्डन में से रोड भी इतना अच्छे बन गए, देखिए कितना सुंदर रोड बन गया, पहले तो उबड़ खाबड़ रोड था, टूटा फूटा रोड था, अभी रोड भी बहुत अच्छे बन गए, हर जगह पे यहाँ पे कटिंग हो रहा है अभी, क्योंकि अभी जो पत्ता है वो सही नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं है, बारिश होना चाहिए, जब तक बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश आया नहीं है, नाहरकटिया में बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बारिश यहाँ पे कम है, मतलब हुआ ही नहीं इस ठंडी के मौसम में। देखिए पूरे लोग यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए और कटिंग में लगा हुआ है। ये नाहरकटिया टी स्टेट हॉस्पिटल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ के जो हॉस्पिटल है ये देखिए कितना सुंदर है हॉस्पिटल, देख रहे हैं कितना सुंदर है। यहीं पे आया था, लेफ्ट से जो रोड गया है इसी रोड से अंदर बंगलो है, वहीं पे मैंने मेरा दोस्त के जो मम्मी या डैडी जो जॉब करते थे उनके पास आया था, नाहर कुटिया टी स्टेट हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत सुंदर है, एकदम नीट एंड क्लीन, रोड भी नीट एंड क्लीन है। तो ऐसी जगह पे आके अच्छा लगता है, जब कोई भी चीज़ आप अच्छे देखते हो, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन सजा के रखा है, जो भी है घर, अपना घर खुद के घर में भी लोग सजा के रखते हैं, इसी तरह अगर ऐसा चाय बागान है उसको भी अच्छी तरह से सजा के रखोगे तो खुद उनको भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी देखने के लिए भी अच्छा लगता है। गोलाघाट का जो टी गार्डन है वो भी अच्छा है, लेकिन उससे भी मैंने, मुझे ये अच्छा लगा, यहाँ पे लैंड का हिसाब से, लैंड मतलब वर्कर के लिए जो क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, नंबर 17 लाइन ये लिखा है सामने, नंबर ऑफ क्वार्टर 75, ये देखिए मेरे पीछे नंबर ऑफ क्वार्टर 75, मतलब बहुत सिस्टमेटिक रखा है, कितने क्वार्टर है वो भी लिख दिया गया है यहाँ पे पीछे। और सामने मैं जो जा रहा हूँ और दूर दूर तक एक ही रोड गया हुआ है अंदर। ऐसे रोड पे चल के भी अच्छा लगता है सवेरे सवेरे, एकदम खुली
हवा जो मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन बराबर यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता ही है। कि मुझे जो एहसास हुआ कि चाय बगान के अंदर ऑक्सीजन है और चाय की जो ग्रीन टी की खुशबू है दोनों मिलते हैं यहाँ पे आने के बाद। मुझे दोनों ही नसीब हुआ है इस साल आने के लिए यहाँ पे असम में, और दोनों की मैं खुशबू ले रहा हूँ। एक तो मुझे ऑक्सीजन और प्लस ग्रीन टी की खुशबू। बहुत से लोग हैं जिनको ये नसीब भी नहीं होते हैं, जो असम के चाय बगान में रहते हैं उनको ये चीज़ नसीब होते हैं। जो शहर के अंदर रहते हैं सुबह उठते भी नहीं हैं, घूमते भी नहीं हैं, बस ऐसे ही ज़िंदगी बिता देते हैं, उनको ये नसीब नहीं होता है। तो आपको ऐसा आना है, असम में आना है, चाय बगान के अंदर घूमना है, घूम के दुनिया देखना है, लोगों से मिलना है। ये देखिए सब स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक सरदार से पूछा था कि कौन सा कटिंग है, मतलब DS कटिंग है, क्योंकि मैं भूल गया था कटिंग, क्योंकि मेरा मुझे तो हैबिट नहीं है, इसलिए पूछा था मैंने भैया। मैंने मुझे तो LP लगा था, नहीं सॉरी LP नहीं है, LP से छोटी होता है, ये बड़ी कटिंग है थोड़ा, इसलिए उसको DS बोलते हैं। सवेरे सवेरे दोस्तों चला करो, हाँ सोया मत करो ज़्यादा। आप क्या करते हो, खाली सोए रहते हो, इतना सोया भी मत रहो, इतना सो गए हाँ, सो के तो आधी ज़िंदगी निकाल देते हो, सो के ज़िंदगी में बहुत से लोग खाली सोते सो के ज़िंदगी ख़त्म। ज़िंदगी ख़त्म मत करना, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भैया मेरा उम्र हो गया, हमें क्या करना है। अरे भैया उम्र को क्यों देखते हो, काम को देखो ना। फल की सुबह चलो तो चिंता करते हैं, मैं ये किया तो वो मिलेगा, यार कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लेके नहीं जाओगे, कुछ देखे नहीं जाओगे। जो करना देखते जाओ भैया, काम करते जाओ, जो भी अच्छा लगे ठीक लगे, किसी को हेल्प करो, जो आपकी मर्जी, लेकिन कुछ अच्छा करो। और आज और एक बात क्या बोलूँ, बोलना तो कुछ है ही नहीं। आप लोग समझदार हो, आओ घूमो फिरो आसाम में, आओ। मैं तो बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, एक बार आसाम में तो ज़रूर आना, आसाम में बहुत कुछ देखना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं देखा हूँ अभी। आसाम है, अरुणाचल है, अरुणाचल में भी बहुत कुछ देखना बाकी है, अरुणाचल में भी आप बहुत कुछ चीज देख सकते हो। आया तो आओ घूमो, आसाम देखो, अरुणाचल देखो। नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट है वो देखने लायक है। आप महसूस कर सकते हो तो आप देख सकते हो, आपको महसूस करना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, आपको दिल से महसूस करना पड़ेगा। जंगल है, लोग अभी भी सोचते हैं जंगल है, भैया जंगल नहीं है, मॉडर्न हो गए काफ़ी सारा, जंगल तो ख़त्म ही हो रहा है यहाँ से। लोग काट कूट के जंगल को घर बना रहे, बिल्डिंगें बना रहे हैं अभी यहाँ पर। तो मेरे सामने देखिए, मेरे पीछे तो फैक्ट्री है यहाँ पे, मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूँ, सामने मेरा फैक्ट्री है। चलिए और थोड़ा आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। सामने देखिए नारकटिया टी इस्टेट के फैक्ट्री है, सामने बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और आगे से भी आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ, एकदम फ्रंट से कितनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या है। मैं बोला ना बहुत सुंदर है ये जगह, क्योंकि मैंने असम में और 2-3 चाय बगान देखा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चाय बगान है मेरा हिसाब से, मतलब वेल मेंटेन है इसको बोलते हैं। 1000 जर्नीज ये है, ये चाय बगान के जो गेट है, मेन गेट, इससे मैं अंदर जाऊँगा, तो परमिशन लेना पड़ेगा अंदर मैन्युफैक्चर के लिए। अगर देखते हैं मैन्युफैक्चर अभी बंद है यहाँ के, क्योंकि ये ऑफ सीजन चल रहा है, अप्रैल मई में शुरू होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी क्या हुआ है, गार्डन में मैं गया था, लेकिन वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मैं गार्डन के अंदर मतलब फैक्ट्री के अंदर गया था, लेकिन फैक्ट्री में अभी क्या है, सिर्फ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। मैं परमिशन भी लिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी तो भैया कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो आप कुछ नहीं देख पाओगे, सिर्फ मेंटेनेंस चल रहा है, बस साफ़ सफाई, मशीनरी के मेंटेनेंस, ये सब ही चल रहा है। और ये टाटा टी लिमिटेड का अंदर में है, इसीलिए टाटा टी लिमिटेड के अंडर में है, तो इसीलिए ये इतने सुंदर और वेल मेंटेन टी गार्डन है, अभी समझ में आया। मैं उनको जब बात किया मैनेजर जी से, तो उन्होंने यही बोला कि ये टाटा टी इस्टेट के अंडर में है, इसीलिए इतना सुंदर वेल मेंटेन है। नहीं तो मैं बोला ना, मैं टी स्टेट काफ़ी घूम चुका हूँ, लेकिन इतना सुंदर सजा हुआ टी गार्डन मुझे नहीं देखने को मिला। तो मैं वापस जा रहा हूँ, क्या करूँ,
क्योंकि फैक्ट्री आपको दिखा नहीं सकता यहाँ के, क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है, क्या देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है। अभी मार्च अप्रैल में जाके शुरू होंगे इनके मैन्युफैक्चरिंग, अभी तो ये सब कटिंग वटिंग ये वो चलेगा, मेंटेनेंस चलेगा, गार्डन के भी मेंटेनेंस चलेगा, फैक्ट्री के भी मेंटेनेंस चलेगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। कभी मुझे मौका मिले कहीं भी टी गार्डन दिखाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, वो आपको मैं दिखाऊंगा। और आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।